तो इस वीडियो में हम कॉलम ऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं एक एग्जांपल क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ एक एग्जांपल बनाया है e.html, जिसमें मैंने यहाँ पर css को लिंक किया हुआ है और इसके बाद मेटा टैग लिखा हुआ है। इसके बाद मैंने एक बॉडी बनाया, इसके बाद एक टिप बनाया जिसमें मैंने एक h1 टैग बनाकर लिखा हुआ है कॉलम ऑर्डर्स, जस्ट एक हेडिंग जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ br टैग इंसर्ट किए और इसके बाद मैंने एक टिप बनाया। इस टिप को मैंने क्लास अप्लाई किया रो, मैंने क्लास अप्लाई किया रो और इसके अंदर मैंने एक और टिप बनाया जिसको मैंने क्लास अप्लाई किया कॉलम। मैंने कहा कॉल lg4, मैंने कहा 4 साइज़ का मुझे कॉलम चाहिए, मैंने 4 बनाया। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ डमी टेक्स्ट इंटर किया। इसके बाद मैंने एक और टिप बनाया जिसको मैंने क्लास अप्लाई किया कॉल lg2, कॉल lg2। इसके बाद मैंने इसमें कुछ डमी टेक्स्ट इंसर्ट किया और मैंने एक और टिप बनाया जिसे मैंने क्लास अप्लाई किया कॉल lg6। तो हमने यहाँ पर भी कुछ डमी टेक्स्ट इंसर्ट किया। इसके बाद मैं पेज को रीलोड करता हूँ तो आपने देखा यहाँ पर कॉलम्स एंड रोज बने। तो मैं कुछ बैकग्राउंड कलर से अप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने कहा bg डेंजर, इसके बाद यहाँ पर मैंने कहा bg इन्फो और जो थर्ड कॉलम है उसमें मैंने कहा bg सक्सेस। और इसके बाद हमने पेज को रीलोड किया तो आपने देखा यहाँ पर 3 कॉलम्स मैंने बनाए हुए हैं और एक रो। तो अब हम ऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने ये जो कॉलम है इसे पहले बनाया हुआ है, जो रेड वाला कॉलम है उसे मैंने पहले बनाया है। तो मैं इसमें एक कॉलम अप्लाई करूँगा, मैंने कहा ऑर्डर लास्ट। तो इसे हमने पहले बनाया है लेकिन इसका ऑर्डर लास्ट हो जाएगा। तो हमने देखा कि मैंने इसे HTML फाइल में सबसे पहले डिफाइन किया है यहाँ पर, और लेकिन ये रन टाइम पर हमने देखा कि ये लास्ट में ऑर्डर हुआ है। तो ये जो क्लास है ऑर्डर लास्ट, इसके कारण ऐसा हुआ। हमने इस क्लास को यहाँ से रिमूव किया और हमने सेव किया, हमने इसे रीलोड किया तो आपने देखा हमने जैसा कोड किया वैसा हमें दिख रहा है। इसके बाद मैंने लास्ट कॉलम में क्लास अप्लाई किया ऑर्डर फर्स्ट, ऑर्डर डैश फर्स्ट। तो इस क्लास के अप्लाई करने से हमने देखा कि जो लास्ट में कॉलम था वो फर्स्ट में आ गया। इसके बाद मैंने जो सेकेंड कॉलम है उसमें अप्लाई किया ऑर्डर लास्ट, जो सेकेंड में है वो फर्स्ट में, जो सेकेंड में था वो लास्ट में चला जाएगा। मतलब कि जो bg इन्फो है ये लास्ट में चला जाएगा। तो मैंने इसे रीलोड किया क्योंकि वो लास्ट में था, कोई फर्क नहीं पता चला। तो मैंने इस ऑर्डर लास्ट को यहाँ से रिमूव किया, मैंने इसे रीलोड किया तो आपने देखा कोई फ़र्क नहीं। अब मैंने कहा कि ये जो bg डेंजर है ये सेकेंड में, इसे लास्ट में करना है। तो मैंने कहा ऑर्डर डैश लास्ट, ये हमने क्लास अप्लाई किया और आपने देखा कि इसका जो ऑर्डर है लास्ट में हो गया। तो हमने यहाँ पर देखा कि मैंने जो bg डेंजर था उसे पहले डिफाइन किया लेकिन वो लास्ट में है। मैंने bg सक्सेस जो डिव है इसे मैंने फर्स्ट में डिफाइन किया लेकिन मैंने इसे लास्ट में डिफाइन किया और वो फर्स्ट में है। तो इस तरह से हम इसका जो ऑर्डर है चेंज कर सकते हैं।